आपको बताऊंगी कि बेबी के लिए शैम्पू, तेल, पाउडर, क्रीम और मसाज ऑयल और लोशन और सोप से आप हिमालय जो बेबी ब्रांड कंपनी का है आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे आप यहाँ किट देख रहे हैं, जो शैम्पू है, मसाज ऑयल है, डाइपर रेस क्रीम है, बेबी सोप है, लोशन है, पाउडर है और वाइप्स पेपर है। आज मैं आपको बेबी की मालिश करने का तरीका बताऊंगी। तो हम मसाज ऑयल ले लेते हैं। अब आपको आपके हेड को जो है थोड़ा सा ऑयल लेना है और इसको हीट करना है और बेबी के फुट पर लगाना है। आप नीचे से ऊपर की ओर करें, फिर बाहर से अंदर की तरफ, और जो ये जो बेबी के नीचे के तलवे रहते हैं आप उसको ऐसे करें, एक एक फिंगर को रोल में घुमाएं। आप जब भी मालिश करें हल्के हाथों से करें, ज़्यादा हाथ रगड़ें ना बेबी की बॉडी पर, उसको फिर ऐसे करें ताकि उसका शेप अच्छा रहे। अब आपको मैंने लेफ्ट जो पैर में बताई थी, अब आपको ये राइट हैंड पैर में भी यूज करनी है। ऐसे ही नीचे से ऊपर की ओर ले जाइए, अंदर की तरफ करिए, उसके जो पैरों के तलवे हैं उनको ऐसे करें ताकि वो अच्छे से खड़े हो सकें, उनको ज़मीन पर टिका सकें। फिंगरों को एक एक को करना है आपको। आपका बेबी जब होता है उससे 15 से 20 दिन बाद आप मसाज चालू कर सकते हैं उसकी। आपको 4 मंथ तक बेबी की मसाज ऐसे ही पैरों पर लिटा कर करनी है। अगर बड़ा बेबी हो तो मेरी पहली वाली वीडियो देख लें आप, उसमें भी मैं बता चुकी हूँ कि 5 मंथ से 1 ईयर्स के बच्चों की कैसे मसाज करते हैं। आप उसको ऐसे करें, अब आप उसको रोलिंग में घुमाएं ताकि बेबी के पैरों का शेप अच्छा आए। आपका बेबी जितना बड़ा हो उतनी देर आप मसाज कर सकते हैं उसकी, जितना उसको अच्छा लगे। हो सकता है स्टार्टिंग में बेबी को मसाज करवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, वो रोने लगे, तो आप 1-2 दिन छोड़ के कर सकते हैं मसाज। अब आपको हेड में भी ऐसे ही करनी है, नीचे से ऊपर की ओर, अंदर से ऊपर की ओर, बाहर, नीचे, फिर उसकी जो हथेलियाँ हैं, जो पाम है, उसको आपको अच्छे से करना है। उसको ऐसे उठाएं, ये ये ये, उसकी एक एक फिंगर को रोल में घुमानी है। बेबी की आपको 1 ईयर तक करना चाहिए ताकि वो अच्छे से एक्टिव रहें, पैर हाथ अच्छे से चला सकें, उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं मालिश से, वो एक्टिव रहते हैं, उनको अच्छा लगता है। अब आप इस वाले राइट हैंड में भी यही वाली जो स्टेप्स बताई थी वही अप्लाई करें। ये देख सकते हैं आप, क्रॉस क्रॉस में भी करनी है आपको, और इससे जो हेड है उसको घुमाएं ताकि शेप अच्छा रहे। आप देख सकते हैं बेबी कितनी हैप्पी है मसाज करवाते। अब आपको टमी की करनी है, टमी की आपको ध्यान से करनी है। अगर उसमें गैस फंसी हुई हो या उसका पेट दर्द करता हो तो आप उसको रिलीफ करवाइए, लेकिन हल्के हाथों से ही मसाज करें और बॉडी पर ज़्यादा ऑयल ना लगाएं। अब आप उसको ऐसे कर सकते हैं ताकि जो गैस फंसी हुई है वो निकल सकती है। अब आपको चेस्ट की करनी है, तो चेस्ट की आप हल्के हाथों से करिए, उसको सर्दी या जुकाम होगा तो उसमें भी रिलीफ मिलेगा। अगर बेबी की गर्दन चिपकी हुई है या ज़्यादा मोटी है गर्दन, तो आप उसको ये वाली स्टेप्स कर सकते हैं। हथेली तक उसके हाथ खुलने चाहिए। बेबी को आप आधे घंटे बाद नहला भी सकते हैं मसाज के, या उसको बाथ टब दे सकते हैं। हल्के हाथों से गीले कपड़ा लें कॉटन का, उसको डिप करें और बेबी के बॉडी पर साफ करें। ऐसे करनी है। अब आपको हेड की करनी है, अब आपको ईयर भी देखने, या ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर इसको लें और यहाँ से कान के यहाँ से धीरे धीरे करें, अंदर भी उंगली करें आप उसकी पूरी, जो कान की है, मांसपेशियाँ वो मजबूत हों।
अब हम ईयर्स की करते हैं। आप ईयर्स ऐसे ले जा सकते हैं ताकि उसकी आईज जो है वो बड़ी और अच्छी दिखें। अब जो बेबी रहते हैं उनकी आंखों में से पानी आता है, खुजली आती है, तो आप ये वाला पॉइंट दबाएं ताकि इससे भी उनको रिलीफ मिले और अच्छा लगे, इससे पानी आना बंद हो जाता है। अब ये दूध पीते हैं बच्चे तो ये वाला जो पार्ट है ये उठ जाता है, तो आपको इनको दबाना है। आपकी दो फिंगर लें और उसको धीरे धीरे दबाएं। अब ये हो गया, आप बेबी के चिक को ऐसा करें, सभी लोगों को स्माइली बच्चे अच्छे लगते हैं, तो आप ये करें, चिक को यहाँ तक ले जाएं। अब बेबी के फेस पे आपकी फिंगर है जो थोड़ी उल्टी घुमाएं, दो तीन बार करना है, बेबी ज्यादा चेहरे पे हाथ नहीं लगाने देते। अगर वो बच्चा भूखा हो तो उसको दूध पिलाकर ही मसाज करें, नहीं तो वो रोने लगेगा या चिड़चिड़ा हो जाएगा। अभी आगे की जो थी वो पूरी हो चुकी है मालिश, अब मैं आपको पीछे की बताऊंगी। तो आपको देखना है बच्चों को कैसे पलटें, धीरे से और ध्यान से, ये यहाँ दोनों हाथ लगा लें और उनको धीरे से लिटा दें। अब आपको पीठ की अच्छे से करनी है, ज़्यादा रगड़े ना पीठ को, बस हल्के जो आपकी फिंगर हैं चारों उनसे नीचे से ऊपर की, ऊपर से नीचे की ओर ले जाएं। बच्चा लेटे लेटे थक जाता है तो उसको रिलीफ करवाइए, उसको ऐसे बहुत आराम मिलता है, उसको अच्छा लगता है। अब उसके ऐसे आपको हेड की करनी है, देखिए ये बेबी को कितना अच्छा लग रहा है, मालिश करवाना। आप पीछे से भी उसका हेड ऐसे कर सकते हैं। अब जो ये पाम ये हैं, आपको यहाँ से उनको ऐसे उठाना है, जब भी आप आपके बेबी करें तो आप उनको ऐसे उठाएं ताकि उनका शेप अच्छा रहे, चपटा ना रहे। और जो बेबी के पैर हैं आप उसको सीधा कर लीजिए, उसको ऐसे करिए ताकि उसकी जो ये पैरों की हड्डियाँ ये मजबूत हो और वो जल्दी से चलना घूमना फिरना सीखे। आपको रोज ही मालिश करनी है, आप 1 ईयर तक मालिश कर सकें, 1 ईयर तक मालिश कर सकते हैं, बेबी को अच्छा लगेगा, वो एक्टिव रहेगा, हैप्पी रहेगा। अब आप चाहे तो उसको नहला भी सकते हैं, या आपको कुनकुना पानी लीजिए, उसमें कॉटन का कपड़ा लीजिए, निचोड़िए और बेबी की बॉडी को उससे साफ कीजिए। ऑयल बॉडी पर आधे घंटे तक ही रहने दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं रहने देना है, उसको नहला दीजिए। आपको मैंने दिखा दिया ये हिमालय बेबी जो कंपनी है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी इफेक्टिव और अच्छे हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, यह क्लिनिकल प्रमाणित हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। थैंक यू।